वैद्युत क्षेत्र, हम सब कूलाम्ब नियम में यह अध्ययन कर चुके हैं कि प्रत्येक दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। साथ ही यह भी जानते हैं कि स्थिर आवेश से दूरी के साथ साथ बल घटता जाता है, अर्थात एक निश्चित सीमा के बाद दूसरा स्थिर आवेश कोई बल अनुभव नहीं करता। यही सीमा क्षेत्र कहलाता है। यही सीमा किसी स्थिर आवेश का क्षेत्र कहलाता है। अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र। किसी स्थिर आवेश का वह क्षेत्र जिसके चारों ओर किसी अन्य स्थिर आवेश लाने पर स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है, वह स्थिर आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। किसी स्थान व बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा सम्मिलित रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। वैद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। स्रोत और स्थिर परीक्षण आवेशों के लिए सत्य होता है। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा स्थिर स्रोत और स्थिर परीक्षण आवेशों के लिए सत्य होती है। कोई स्थिर आवेश अपने द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के कारण वैद्युत बल अनुभव नहीं करता है। तीसरा, प्रत्येक स्थिर आवेश की खुद का वैद्युत क्षेत्र होता है जो कि अनंत तक अग्रसरित रहता है। यही किसी आवेश के समूह के कारण प्रत्येक स्थिर आवेश के क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता। इसका अर्थ यह है कि यदि आवेशों का समूह है तो हर आवेश के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र अलग अलग होंगे। किसी दूसरे आवेश के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र दूसरे आवेश के क्षेत्र के परिमाण मान में कोई फर्क नहीं डालेंगे। भले ही निकाय का नेट परिणामी क्षेत्र तीव्रता भले बदले, लेकिन अलग अलग आवेशों की क्षेत्र की तीव्रता नियत रहती है। अगला, वैद्युत क्षेत्र में स्थित धनावेश पर वैद्युत बल क्षेत्र की दिशा में लगेगा तथा स्थिर ऋणावेश पर वैद्युत बल क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। अगला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक धनावेश परीक्षण आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल के बराबर होता है। माना प्लस क्यू आवेश स्थिर स्रोत के क्षेत्र में है। माना प्लस क्यू स्थिर स्रोत है उसके द्वारा क्षेत्र में कोई आर दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश क्यू जीरो है। कूलाम्ब के नियमानुसार पी बिंदु पर ओ बिंदु के द्वारा क्यू जीरो पर क्यू के द्वारा लगने वाला बल का मान क्या होगा? 1/4π ε0 क्यू क्यू जीरो अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप, जहां पर आर कैप ओ से पी को मिलाने वाली रेखा है, अर्थात बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होगा? एफ अपान क्यू जीरो, जहां पर क्यू जीरो क्या होना चाहिए? टेंस टू जीरो, जीरो की तरफ अग्रसरित होना चाहिए। इसका अर्थ है क्यू जीरो का खुद का क्षेत्र नहीं होता है जिससे दूसरे वाले क्षेत्र को प्रभावित न करें, अर्थात लिमिट क्यू जीरो टेंस टू जीरो डेल्टा एफ अपान क्यू जीरो इक्वल टू लिमिट क्यू जीरो टेंस टू जीरो 1/4π ε0 क्यू क्यू जीरो अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप, अर्थात प्लस क्यू धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज रूप में बाहर की तरफ होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ एक्सपोनेंशियली रूप से घटती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ चर घातांकी रूप में घटती है अथवा 1 इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करती है, 1/r² के नियम का पालन करती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक
न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है, क्योंकि हम जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन तथा आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा फोर्स की बीमा होती है MLT-2 तथा आवेश की बीमा होती है ET।